तो क्या हाल है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूट्यूब के एक ऐसे जाने माने उभरे हुए ब्लॉगर के बारे में जिसकी गंदी गांड लेने का मौका कोई नहीं छोड़ता। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ गोबर जोन की। नाम तो गौरव जोन है भाई सबका, बट गोबर जोन से ज्यादा फेमस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए तैयारी करते हैं इस गोबर की लेने की। तो चलो फिर शुरू करें। रुको जरा, सबर करो। यो 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 मेरे जिगर के छल्लो, कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन। इसका तो अपना नाम लेने में पाद निकल गया, क्या ब्लॉगर बनेगा यार ये साला, गलत नाम बता रहा है। गौरव नहीं, गोबर जोन नाम है इसका। यकीन नहीं है तुम्हें तो अभी यूट्यूब पर गोबर जोन सर्च करो। अरे रुको यार भाई, बड़ी जल्दी में हो यार, वीडियो तो पूरी देख जाओ, सर्च बाद में कर लेना। तो अभी हम चल रहे हैं शीशा लाने ऑफिस का, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसा ला रहे हैं। इसकी गांड में इतना जहर है कि हगने भी जाएगा तो बता के जाएगा, और रिकॉर्ड करेगा वो अलग से। खेतों में चलेंगे हगने, ठीक है, पानी की बोतल ले जाऊंगा। मैंने तो यार ये अभी मजाक में बोला था, बट ये तो साला रियल में हकते हुए ब्लॉग बनाता है। बहन चो दिमाग है तेरे पास, मतलब कुछ भी बकचोदी पेल दे रहा है, और साले हकते हुए ब्लॉग कौन बनाता है। मुझे तो डर इस बात का है कहीं ये हरामी मानुस अपनी सुहागरात का ब्लॉग बना के ना डाल दे। अभी जो मैं कांच लेने जा रहा हूँ, ये ऑफिस का कांच लेने जा रहा हूँ एक्चुअली, के जिसमें मेरे को मेडल रखने, शूज रखने हैं। पहले तो कोई इस छपरी लुक वाले लोड़ू की गांड पे कस के दो हाथ मारो कि ये बिना हेलमेट के बाइक चला कैसे रहा है, वो भी एक हाथ छोड़ के, और बाइक चलाते हुए भी ब्लॉगिंग कर रहा है। अबे आत्मनिर्भर लोड़ू, तेरी गांड में ब्लॉगिंग का इतना ही जोर है तो कैमरा पीछे वाले बंदे को देकर ब्लॉग बना ले, और अगर तुझे ही कैमरा में मुंह देकर गांड मरवानी है तो तू पीछे बैठ के भी तो शूट कर सकता है। पर नहीं, तुम्हारी गांड में हीरो बनने के चुन्ने इतने काट रहे हैं कि खुद ही शूट करेंगे, भले ही गांड फट जाए गिर के। तो अभी मैं लेता हूँ, 5 दिन बाद जा रहा हूँ मैं अपनी KTM पे जा रहा हूँ। अच्छा हुआ यार तूने बता दिया, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था। ये भोसड़ी वाला पब्लिक को चूतिया समझता है। अबे अंधा तू है, हम नहीं, हमें दिख रही है तेरी भाई कि तूने KTM पे गांड रखी हुई है। साले शो ऑफ करना कभी बंद मत करना, ये साला इतना हरामी है कि अगर 100 रुपए से ऊपर की चड्डी खरीद के पहने तो उसका भी शो ऑफ कर दे। भैया जी आप तो ये जो कांच है यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ये देखो कैसे रखे मैंने। अभी क्या है, मेरे LV के शूज आने वाले थे, मैंने कहा था ना कि हरामी सोफ करना कभी बंद नहीं करेगा। और मुझे तो ये बता साले, से सूज को सजा के रखता कौन है। भोसड़ी वाले ने मेडल से ऊपर सूज रखे हैं, ये मेडल जरूर खरीद के लाया होगा, तभी कदर नहीं है इसको। तो मेरा गेमिंग चैनल है गौरव जोन गेमिंग, उसकी मैंने प्लेट ही नहीं मंगाई, इतना बेशर्म हूं। करीब 6-7 महीने से मैंने ऑर्डर ही नहीं करी, तो आज बैठ के उसको। गेमिंग कब से शुरू कर रहे हो? गेमिंग यार, हाँ यार लॉकडाउन में करी थी मेरे ख्याल से ज्यादा। यार ये चिरान नशे में या फिर इसका कैमरामैन नशे में, ये गोबर भाई साहब बता रहे हैं कि करीब 6-7 महीने से इन्होंने अपने गेमिंग चैनल की प्लेट ऑर्डर नहीं करी है, और इनका नशेड़ी कैमरामैन चरस का सुट्टा लगा के ये पूछ रहा है कि गेमिंग कब से शुरू कर रहे हो। और फिर ये टट्टो का सूजन बता रहा है कि लॉकडाउन में गेमिंग शुरू करी थी। भाई कौन सा नशा करते हो यार, पहले तो तुम्हारा सवाल ही गलत होता है, और ऊपर से उसका जवाब उससे भी ज्यादा गलत। सालो तुम दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हो। डॉलर को घुमाने, और ये कुत्ता इस गधे के साथ क्या कर रहा है बे, थोड़ा आराम से। साले ठोकर लग गई ना तो मुंह के दांत गांड से बाहर आएंगे। और रात का तूने घोड़े के चने खाए थे जो कुत्तों की तरह भाग रहा है, ये पहला ऐसा गधा है जो घोड़े के चने खा के कुत्तों की तरह भागता है। भैंचुत कुत्ता भी सोच रहा होगा कि यार किस गधे के हाथ में पकड़ा दिया मुझे। तू घोड़ा है क्या? मेरे को लगता है कभी कभी ये घोड़ा है, घास खाता है। कुत्ते वाली तो हरकतें ही नहीं है इसकी, है भाई? सही कह रहा भाई, कुत्तों वाली हरकतें तो है ही नहीं उसकी, क्योंकि कुत्तों वाली हरकतें तो तेरी है ना, क्योंकि वो बेचारा भी ये सोच के परेशान रहता है कि अगर मैं हरकतें करूंगा तो इसकी हरकतों को कौन देखेगा। आज है किस डे, किसी ने करा तेरे को किस? घर वालों ने भाई बहुत लकी है यार तू, जो तुझे तेरे घर वालों ने मुंह लगा लिया, नहीं तो ट्रैक्टर के सिलेंसर को कौन किस करता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं उनके होठ ना जल गए हो यार, वो इतना रिस्क कैसे ले सकते हैं। यार देखो मेरी ना बैक में बहुत पेन होता रहा था, तो अगर किसी लड़की की किस मिल जाए बैक में तो दर्द दूर हो जाएगा। तेरी बैक का दर्द अगर एक किस से दूर हो सकता है तो सबसे पहले तो अपनी बावासीर का इलाज करा, क्योंकि मैडम जब एक किस से तेरी बैक का दर्द खत्म कर सकती है तो 2-4 किस में तेरी बावासीर तो जड़ से खत्म कर ही देंगी। बड़ा हरामी हो। तो यार गाइस बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यार भाई इस रेड बटन को दबाओ और अपने इस भाई को सपोर्ट करो।